दशहरा में रावण वध के दौरान पुलिस की मारपीट से वकील आक्रोशित, कार्यवाही नहीं तो आर्मी ही कराएगी रीवा में चुनाव। दशहरे के दिन वकील के साथ हुई मारपीट को लेकर रीवा शहर में वकील और पुलिस एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। हम आपको बता दें, रावण वध स्थल पर पुलिस ने मुख्य गेट के पास दो युवकों को बुरी तरह से पीटा था, जिसका वीडियो भी रीवा दर्शन के पास है। मारपीट प्रवेश को लेकर थी, जिसने अब दूसरा रुख ले लिया है। वकील इस मसले पर लामबंद होकर पुलिस के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार करने के मूड में नजर आ रही हैं, जिसकी एक झलक वकीलों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नजर आई। उस दिन मैं अपने परिवार को लेकर गया था और मैं गेट के अंदर हो चुका था और मेरा परिवार बाहर रह गया था, जिसको अंदर करने के लिए मैंने निवेदन किया। कुछ पुलिस जो सिपाही थे वो प्रयासरत भी रहे कि अंदर कर देंगे पांच लोग जाइए, लेकिन इतने में ही जो पीआई साहब थे पीछे थाना के हीरो सिंह जी, उन्होंने माँ की गाली दी। मैंने कहा देखिए ये सामाजिक कार्य है, इसमें आप सब जगह सामूहिक रूप से गाली मत दीजिए। तो बोले तू कौन होता है? मैंने कहा मैं बताया कि मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ और जो है एडवोकेट भी हूँ। तो बोले कोई धूपचंद है क्या? और इसके बाद जैसे मैं सिटकनी खोलने के लिए अपने परिवार को अंदर करने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया, इतने में वो अंदर घुस करके सीधे मारने पीटने लगे, तो उसके बाद मैं बदहवास हो गया। और बाकी बात की जा रही है कि दारू पीने की या किसी पत्रकार को उनका नाम लाने की, या मैं वो एक से एक घटना ऐसी थी कि एक पत्रकार जो वाला अकेले था, उसने बोला भैया इसको पकड़िए थोड़ा सा हम शूटिंग कर लेते हैं। तो कुछ क्षणिक सेकंड के लिए वो आप लोग क्या बोलते हैं उसको, आईडी बोलते हैं शायद, वो आया है। इसके बाद वो मारपीट में गिर गया है। ना मैंने ये बोला कि मैं पत्रकार हूँ, ना मैंने ये बोला कि नहीं कोई अपना बात की, ना मैंने गाली गुप्त में कोई बात की, कहीं भी मेरे द्वारा कोई क्लिपिंग आप लोग नहीं। मुझे मौका नहीं मिला, चूँकि पिछले थाने वालों में मारा था, उसका गाड़ी में बैठा करके मुझे सिविल लाइन थाने छोड़ दिया, जहाँ से मुझे कुशाभाव ठाकरे पीछे होते ले जाया गया, जहाँ मेरी MLC हुई है। यहाँ पे जो तीन चार टाँके लगे हुए हैं, ये दो तीन टाँके लगे हुए हैं, सिर पे चोट है। एक वीडियो में आपने देखा है जहाँ पे गेट में नीचे गर्दन फंसा करके लाठी मारी है, ये चोट है। इधर बाकी पूरा पीठ और इधर पूरा लगा चुका है। उनकी मौजूदगी में एक शख्स ये कह रहा है कि मैं वकील हूँ, उसके बाद भी उसके साथ जो जिस तरह से मारपीट की गई वो अत्यधिक गंभीर और उससे ज़्यादा गंभीर जो है, उससे ज़्यादा गंभीर ये है, जिला पुलिस अधीक्षक जो मैंने 24 घंटे से ज़्यादा बीत गया, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं। तो सबसे पहले तो बार काउंसिल ये मांग करती है कि पुलिस अधीक्षक के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया और उनको उनका दायित्व था कि जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने उसको मारपीट की कार्रवाई प्रसारित कर दी और तमाम मारपीट की जानकारी होगी, तो पहली बार काउंसिल ये माफ करती है कि पुलिस अधीक्षक के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस अधीक्षक जो है, पुलिस अधीक्षक को 120B का मुलजिम बनाया जाना चाहिए। 120B का इसलिए कि ये साजिश करके वकीलों की अस्मिता पर प्रहार किया गया। जिन पुलिस अधिकारियों ने प्रहार किया है और जो पुलिस अधिकारी वहाँ ड्यूटी में थे, उन सबको 149 में एक्यूज बनाया गया और 307 का मामला कायम किया गया। क्योंकि ये प्रहार जो है, देखिए हत्या के आशय से मर जाना पर्याप्त नहीं है, आपका प्रहार जो है, आपका प्रहार की तरीका क्या है, आपने आँख से लेके पैर तक प्रहार किया है,